बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाइयों कैसे हो, मैं खुसूसी एक ऐलान करना चाहता हूँ और एक फर्क खोकर को पैगाम देना चाहता हूँ कि फर्क खोकर आज तुमने मुझे गालियाँ निकाली हैं, दो टके के मसलियों को बैठा के और उसे गालियाँ निकलवा के, मतलब कि गालियाँ तुमने निकाली क्योंकि वो तेरे चमचे हैं। एक उनके बारे में तुम्हें बात नहीं करूंगा, उनकी क्या औकात है, वो तो बिट साफ करने वाले और क्या उसको कहते हैं मसली से क्या गिला करना पड़ता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं फर्क होकर कि गालियां बदतमीजी मैं भी कर सकता हूं और मुझे तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ये वीडियो जिस भाई ने भी देखनी है और उसको शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखनी है। मेरे भाइयों आज बड़े दुख के साथ और अफसोस के साथ खोखरों के खिलाफ मैं ऐलान कर रहा हूं, खुसूसी फर्क खोखर की वजह से और फर्क खोखर नहीं फरका फरके को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि तू कितना बड़ा बदमाश है, तेरी बदमाशी हमने देखी है, हमसे क्या भूला हुआ है, तू कितना बड़ा बदमाश है हमें पता है, तू बातें लोगों को सुना, हमें ना सुनाया कर फेसबुक पे वीडियो लगा के गालियां निकलवाते हो। एक दूसरी बात ये, जगह भी तेरी, टाइम भी तुम्हारी मर्जी का, बताओ मुझे, मैं ऐलान करता हूं फर्क खोकर, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, लड़ो मेरे साथ और खुसूसी बड़े इज्जत और एहतराम के साथ महकमे को सरकार को मैं सलाम पेश करना चाहता हूं कि ISI पाक फौज और पुलिस तक 15 तक ये मैं ऐलान करना चाहता हूं कि इनसे दुनिया तंग है, इन खोखरों को मैं और जुल्म नहीं करने दूंगा, न किसी का प्लाट कब्जा करने दूंगा, न किसी से बता लेने दूंगा, कोई भी नहीं, मैं इसका खिलाफ खड़ा हो गया, बेशक मुझे जान भी देनी पड़े। सरकार जो भी पाकिस्तान की आवाम है मेरे साथ मिलके तावन करके मेरे साथ चलो, मैं सरकार को भी अपील करता हूं कि मेरी तावन करे, ये दुश्मन बहुत ही जुल्म वाले जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं और ये चीजें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। और फर्क होकर किधर थे ये मसली जब तुम लोग पकड़े गए, अडेला जेल में जलील होते रहे 5 साल, वली जान ने डेरा संभाला, 3 रेड रेंजर के हुए तेरे मसली बाके हैं, 5 साल तेरी इज्जत मैंने बाहर रखी फर्क खोकर, मैंने 5 साल में तुमसे एक तनख्वाह कोई सबूत करो मेरे में मैंने ली हो, मैंने अपने आप से जो कुछ भी किया अपने आप से, क्योंकि मैं नजरी हूं, तेरा घर मैंने नहीं छोड़ा है फर्क, क्या तुम्हारा घर मैंने नहीं छोड़ा है, तुम्हारी मैंने इज्जत बाहर रखी, लेकिन तुमने बेनस्लों वाला काम किया, तुमने बेनस्ले रखे साले लंगड़े लूले रखे, अगर ये जड़े बनते तो चाहे ना गांव छोड़ के आए, किसी की टांग टूट के किसी के बाजू पे फैर लगे और कोई मर के उधर जाके पूछो ना, मुलुके से पूछो ना, जड़े बनते हो, ये वही मसली है फर्क होकर के मेरे आके तू रोता था, तुमने जेल से मुझे फोन किया कि जना गार्डन गोरी टोर में तुम्हारे कोठी पे इस बगैरतों ने कब्जा किया था, तुमने मुझे कहा कि इज्जत बेइज्जती का सवाल है वली जान, मैंने कब्जा छुड़ा के मैंने बंदे बैठा के तुम्हें चाबियां दी थी, तू जड़ा बनता है तुम्हारे में जड़ों वाले क्या काम है, जुल्फों रख के बंदा बदमाश नहीं बनता, जो तेरी प्यो की इज्जत थी ना, जो तेरी प्यो की इज्जत थी वो तूने खत्म कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ बरादरी है, मैं कोई बूटे से नहीं पैदा हुआ, मेरे भाई हैं, मेरे कजन हैं, पूछने वाले बहुत हैं, जो तेरे पूछे तेरे से तो अपनी बरादरी खुश नहीं है। जाओ बिलाल खोकर MPA की सीट से खड़ा था कि ललियाल तुम्हारा गांव में 70 वोट तुम्हें मिले थे, 70 वोट लोगों के साथ जुल्म कर करके तुम लोग थक गए हो, अल्लाह के अजाब में पकड़े हुए हो फिर भी तोबा नहीं निकालते हो, गैरत का जड़ा बनता है, चैलेंज मैंने दी है, तुम्हारा जवाब का मैं इंतजार करूंगा, मुझे जवाब दे, मैं तुमसे जवाब, तेरी कितनी बदमाशी है, मैं तेरी आकड़ तुमसे निकालना चाहता हूं फरकिया, आकड़ तुमसे निकालना चाहता हूं फर्क खोकर, तेरे में कितनी आकड़ है बता मुझे, तू मुझे खोकर हाउस बता, तेरे खोकर हाउस हो के तेरे साथ मैं न लड़ा,
تو میں بغیرت ہوں گا، میں غریب نبی جان کا بیٹا ہوں، تو تاجی کھوکر کا بیٹا ہے، تو تاجی کھوکر کے نام سے چلتا ہے اور ولی جان اپنے نام سے چلتا ہے، میں بہت عاجز ہو کے اس میں نے بڑے مشکلوں سے نام کمایا اور تیرے والد کا تو نام استعمال کرتے نا دو ٹکے کا تم نے تاجی کھوکر کو کر دیا ہے، اور یہ میری ویڈیو صحیح طریقے سے سننا اور جو تیری آکڑ ہے نا وہ مجھے جواب دینا، کھوکر ہاؤس بولنا، تو اتنا بڑا فرماش بنتے نا میں ملک میں کو سلوٹ کرتا ہوں سرکار کو سلوٹ، اس کے علاوہ تو جی ٹی روڈ بند کر، تو کہتا ہے میرا فورس ہے، تو ایک گھنٹہ جی ٹی روڈ بند کر کے بتا، میں دو گھنٹے بند کر کے بتاؤں گا، تو دو گھنٹے بند کر، میں چار گھنٹے بند کروں گا، آ جا لگا تیرے میں کتنی سا ہے، باتیں کرتا ہے، آکڑی بتاتا ہے، لوگوں سے ویڈیو دیکھ کے گالیاں نکلواتا ہے، اگر سا ہے تو خود ویڈیو بنا، خود گالیاں نکال، پتہ بھی لگے کہ لوگ کس طرح جواب دیتے، جڑوں والے کام کیا کر، بغیرتوں والے نہیں، نسلی نسلی بنو۔ السلام علیکم۔